आज दिनांक 15 जनवरी 2020 को गाड़ी मालिकों ने ऊर्जा नगर हाउस के सामने अनिश्चितकालीन आंदोलन किया। ये मांग करता था कि उचित मुआवजा छोटी गाड़ी का मिले। इसी मांग को लेकर गाड़ी मालिकों ने बंद किया। शांति बना के आए हम देखते हैं राजमान हाउस के सामने ये एक भीड़ जमी हुई है जहाँ पे लिखा हुआ है बंदी बंदी बंदी। इसलिए राजमहल पर चलने वाली सभी छोटी गाड़ी अनिश्चितकालीन बंद रहेगी दिनांक के 15 जनवरी 2020 से। आए हम पूछते हैं कि इन लोगों का समस्या क्या था। आए जी सर बताएंगे आप लोगों का क्या समस्या। हम लोगों का मुख्य मांग था कि आज विगत 15 वर्ष से हम लोग कोल माइंस में छोटी वाहन चलाते हैं। हम लोगों का मतलब सही रेट नहीं मिलने कारण उचित मुआवजा हम लोग नहीं दे पाते हैं। हम लोग टाइम पर किस्त नहीं दे पाते हैं। इस कारण से प्रबंधन को बहुत मौखिक लिखित दिए कि हम लोगों का उचित रेट बढ़ाया जाए, लेकिन प्रबंधन छलावागिरी किया, सिर्फ ठगने का काम किया। इसी के आक्रोश में ऑनर प्लस ड्राइवर ने मिलकर संयुक्त रूप से आज अनिश्चितकालीन बंद किया गया। हम लोग प्रबंधन को आज से 15 रोज पूर्व दे चुके थे कि आप हमारी अगर मांगे नहीं मानेंगे तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। और हड़ताल पर जाने कारण आज सुबह से सारे लोग सभी ऑनर सभी ड्राइवर ने संगठन की एकता देखते हुए कंप्लीट बंद किया गया। तब प्रबंधन के द्वारा अभी वार्ता किया गया। अब तक वार्ता में कोई साहब आए, कोई बातचीत हुई? अभी जीएम पर्सनल चौधरी साहब, बीपी सिंह और राज यादव साहब आए थे। अभी लोगों के ऑनर के सामने वार्ता हुई। वार्ता में हम लोगों से 20 दिन का टाइम लिखित में लिए हैं कि आपका जो उचित मांग है वो आपका 20 रोज के बाद 21वां रोज आपकी मांग सहानुभूति पूर्वक विचार करके किया जाएगा और उसमें लिखित परी हम लोगों को दिया गया। आप अपना परिचय बताइए। मैं सूरज जसवाल, छोटी वाहन गाड़ी का अध्यक्ष। आए हम और एक दो आदमी से जानते हैं। जी सर, ये समस्या क्या था? समस्या था कि 10 महीने से करीब भुगतान पेमेंट नहीं किया गया था। जो टेंडर हुआ था वो टेंडर को ये लोग रखा हुआ था, उसको ओपन नहीं किया गया था। सारे ये फोर व्हीलर मालिक ने ड्राइवर ने मिल के तो कहा, इसके बाद वो नहीं माना तो आज आंदोलन के लिए सब जमा हुआ। इसके बाद आंदोलन 5 बजे से चला अभी तक, और अभी आकर के बात हुई और 20 दिन के अंदर पेमेंट करने की। जी मैं और एक चीज जानना चाहूंगा कि ये कंटिन्यू 10 महीने आप लोग कितने कष्ट से चले, इसको कुछ जाहिर करें। बहुत कष्ट, ड्राइवर तो जानते हैं, ड्राइवर का पेमेंट भी कम है और गाड़ी ओनर का भी पेमेंट कम है। बहुत मखसत करके बाल बच्चे इस तरह पोसा हो तो सब लोग जान रहा है। आज आखिरी दिन करके यहाँ पे ये बहुत अफसोस की बात है। 10 महीने तक बिना किराया के गाड़ी ओनर अपने ड्राइवर को कैसे डील कर रहे थे, ये बहुत गंभीर की बात है कि कितने अफसोस की बात है। ये इन्होंने 10 महीने तक अपना सब्र दिखाते रहे, 10 महीने के बाद जब नहीं संभला तो लास्ट में ये आखिरी कदम उठाए और इन लोगों को 20 दिन का टाइम दिया गया है। 20 दिन के अंदर अगर नहीं होता है तो आप फिर क्या करेंगे? अगर 20 दिन के अंदर जो लिखित दिए हैं अगर प्रबंधन इस पर कायम नहीं रहते हैं तो इससे ज्यादा की संख्या हम लोग छोटी वाहन तो बंद करेंगे ही, लेकिन पूरा ECL को हम लोग बंद कर देंगे। एक भी पदाधिकारी को कोल माइंस का मतलब ECL गेट से बाहर पैदल तक नहीं जाने देंगे। अभी तो सिर्फ हम लोग अपना रोजी रोटी के समस्या से जूझ रहे हैं, हमारे रोजी रोटी पर खिलवाड़ करेगा तो अब अन्यथा बहुत सोचने पर मजबूर करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे, हम लोगों के साथ है। बंदी में जो लिखित दिए हैं आश्वासन आशा है कि बंदी पर वो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम बोलेंगे ठीक है। आज हमारे ड्राइवर और जितना मालिक लोग हैं इनकी एकता का
मैंने अखंड कहा जाए और मैं उसका समर्थन करता हूँ। काहे कि बहुत बार यहाँ पर इस संबंध में 3 साल से वार्ता हो रही थी प्रबंधन के साथ, कुछ यूनियन वाले थे, कुछ एक्स एमएलए भी थे, लेकिन आज तक फैसला नहीं हुआ और उन लोगों ने लड़ाने का काम किया। ड्राइवर को मालिक को दोनों को संबंध अच्छा नहीं रहने के कारण नहीं हुआ था, लेकिन आज जो है आज का दिन ऐतिहासिक रहा राजमहल के लिए कि ड्राइवर और मालिक मिल करके और प्रबंधन से बात किया और प्रबंधन आज माना और 20 दिन में वो नया रेट लागू करेगा। इंकलाब जिंदाबाद, 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 मुर्दा जिंदाबाद, जिंदाबाद, झारखंड मर्दू मुर्दा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इन लोगों ने समय दिया है, 20 दिन के अंदर ये लागू हो जाता है। कितने आक्रोश, कितने खुशी के साथ ये लोग मैंने उत्साहित है कि हम लोगों को 20 दिन के बाद फिर नया रेट मिलेगा, ये एक उम्मीद लेकर बहुत खुशी जाहिर कर रहे हैं।